प्रिय और आकाश प्रिय स्वागत है। और फाइनली आज हम लोग देखने जा रहे हैं कंटारा मूवी का क्लाइमेक्स सीन। लेकिन मौसम का कंटारा सही नहीं हुआ, कांटारा, मतलब, हाँ, कांटारा, कांटारा नहीं तारा, कांटारा। मैं इसको व्लॉग्स में भी यही बात बोल रही हूँ और इसमें भी, खैर एनीवे कोई बात नहीं है। तो हम लोग देखते हैं सीन, लास्ट जो क्लाइमेक्स सीन था वो देखेंगे आज आपके साथ। और आई डोंट नो कि कैसा हमारे ऊपर दोबारा से इम्पैक्ट होगा, लेकिन देखते हैं जरूर वीडियो। और उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। इसके अलावा ब्लॉग चैनल का लिंक इस में लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। देखते हुए ये वो मैं थिंक इसलिए वो डर रहे ना क्योंकि इनको ही लग जाती है ना पहले। दोनों को लग जाती है। अरे बाप रे, ग्रामपा भैया गन चलाने से पहले से पटका था क्या? अरे दादा ने पटका था ना। ये लोग किसी के सगे हैं इसे। अरे मर रहे थे, बहुत पानी है। आज बताता हूँ, वो लोग घर में घुस कर मारेंगे और हम चुप बैठेंगे। सुनो ये भाई, वालेकुम अस्सलाम। ये सीन बहुत ज्यादा खास है। नहीं साहब, वो बच्चा है, तेरा है। जिंदा रहेगा तो कल ये भी जमीन मांगेगा। यहाँ तक मुझे लगता है ना समझ आ गई थी किसे का साथ देना है। ये आवाज, म्यूजिक, ये वाला मुझे बहुत इमोशनल लगता है। Yeah.
ये वहां पर ही आ रहा था। ए, उस कुत्ते की यहाँ प्रदर्शनी लगा। अरे बहुत लड़ाई, अब रुक जाओ, बंद करो ये मारा मारी। अच्छा वैसे जब यहाँ तक मूवी आती है ना, मुझे लगता है कि बस अब खत्म। हाँ। देखने देना, ले पकड़। बाहर होना हो गया तो यहाँ आ जाओ, सब कुछ खत्म हो गया, शिवा मर गया। शिवा ऐसे कैसे मर सकता है? अरे गांव के सारे लोग आ गए क्या? लगता है जंग में बहुत सारे निकल लिए। मसाला पीसने के पत्थर के नाम पे मेरे पूर्वजों को जो बेवकूफ बनाया वो तुम मेरे साथ नहीं कर सकते। हाँ, अब तुम्हारे पास दो ही विकल्प बचे हैं, पहला ये जगह छोड़ दो या दूसरा अपनी जान छोड़ दो। जिनके पति मर गए उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं, उनके लिए मेरे दिल में जगह है। कमला। मतलब ये इनमें अब आ जाते हैं। बहुत इंटेंस सीन है। बहुत एनर्जी है सीन में। मतलब ऐसे करेक्टर में आए हैं, लग ही नहीं रहा वाकई में कि कोई एक आम इंसान का ये रोल कर रहे हैं। जमीन लोगों को समझ आ जाती है। खुश हो गई। हाँ मजा। जैसे रिचुअल भी बना हुआ है। तुम्हारा मंदिर खड़ी का टुकड़ा
अभी यार मुझे समझ नहीं आती भाई। कंटारा मूवी की बात कीजिए तो पूरी मूवी एक साइड पर, लेकिन एंड पे जो ये 10-12 मिनट है ना, ये आपको अभी भी मैं वो देख रहा था ना, मेरे टांगों से वाइब्रेशन होती हुई मेरे ऊपर तक जो है ना मुझे आ रही थी। मैं जो है ना लिटरली ऋषभ सर की एक्टिंग और उनकी डायरेक्शन का फैन हो चुका हूँ। वेल मैं कहूँगी कि इस मूवी का जो एक आप इम्पैक्ट देखते हो ना, लाइक जैसे कि जिन लोगों ने थिएटर में देखी सिनेमा में, हाँ, वाकई में बहुत डिफरेंट एक अनुभव रहा होगा। आई मीन हम लोगों ने इससे पहले घर में देखी थी उस टाइम पर, क्योंकि साउंड काफी ज्यादा, मतलब एक होता है ना कि लाइक आप साउंड का बहुत एक असर होता है, बिल्कुल होता है। जिस तरीके से वो रोर करते हैं, मुझे तो उससे मतलब एक आपके लोगों को गूज़बम्स आना शुरू होते हैं, ऐसा लगता है कुछ एक डिफरेंट एनर्जी आप फील करते हो अपने अंदर, तो वो चीज जो है मुझे बहुत अच्छी लगती है। और दूसरा कि जो एक मैसेज कन्वे किया गया है, लाइक कि इंसान अपने लालच के आगे कुछ नहीं देखता, बट हर चीज़ का एक लिमिट है, एक यू नो बाउंड्री है, जब हम वो क्रॉस करने लग जाते हैं तो फिर ऊपर वाला जो है वो उसको आकर खुद रोकता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि लाइक जैसे अभी कलयुग चल रहा है तो कलयुग में भी तो कल की अवतार होगा। सो जब जब हम लोग महाभारत में भी हम लोगों ने ये चीज जब भगवद गीता का हम लोगों ने चैप्टर देखा था तो उसमें भी ये बात बोला था कि मतलब जब जब अन्याय होगा तो तब तक मैं किसी ना किसी रूप में आऊंगा, मतलब जहां तक मुझे उसका महत्व याद है। तो वो चीज अगर देखा जाए तो हम लोगों को एक इस मूवी के थ्रू मुझे लगता है कि हम लोगों को समझाया। कलयुग की आपने बात की है तो मैं आज सुबह फिर एक वीडियो देख रहा था, उसमें यही बताया था अभी तो कलयुग चल रहा है तो ये हाल है, अभी घोर कलयुग गाना है, तब पता नहीं क्या होगा, काफी साल है लेकिन तब पता नहीं। मैं नहीं होंगी उस टाइम पर, मैं भी अभी सही बात है, अभी दुनिया में इतनी टेंशन है, तब पता नहीं क्या दुनिया का हाल होगा। मैं ये बात देख रही थी कि जब हम लोग सतयुग की बात करते हैं तो सतयुग में जो बुरे लोग थे ना, वो भी मुझे आज के लोगों जो लोग है ना बुरे लोग उनके मुकाबले में वो अच्छे लगते हैं, कि वो अच्छे थे, उनमें इंसानियत थी। आज का तो आप देखोगे बहुत ही अजीब किस्म का एक टाइम है, कि जैसे मूवी में भी दिखाया गया कि मतलब हर तरह की उसमें मैं कहूँगी कि टॉपिक को टच किया गया, चाहे वो कास्ट सिस्टम को लेकर बात की गई हो, फिर उसमें यानी कि लालच भी, फिर उसके अलावा प्रकृति के साथ एक आप खिलवाड़ करते हो, यानी कि जैसे ट्रीज को काटना, फिर जो एनिमल्स जो बीच में मतलब पिग्स को भी वो हंट करते हैं वो भी दिखाया गया। तो ये आजकल के टाइम में डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लोग हर जगह पर पाए जाते हैं कि जो इस तरह से करते हैं, बट उसके बावजूद जिस तरीके से मतलब लास्ट में उनको रियलाइज होता है, और जब मतलब जो लास्ट सीन होता है कि जब वो यू नो जंगल में जाते हैं और चांद को देखते हैं, चांद की रोशनी होती है, तो फिर उसके बाद जब वो मालिक के घर में साहिब के घर में जाते हैं तो वो कहते हैं मैं प्योर होकर आया, इट मींस कि वो अपनी जो सारी जो पिछली चीज़ें हैं जो मतलब जो वो एक हम कहेंगे कि यू नो खिलवाड़ करते थे वो नेचर के साथ भी, उन सब चीज़ों को पीछे छोड़कर आए। और मुझे लगता है कि फिर ये चीज़ एक और भी मैसेज देती है, मतलब जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ कि अगर आप ये चीज़ रियलाइज कर लेते हो ना, तो उसके बाद इस तरह नहीं कि ऊपर वाला बहुत यू नो सख्ती करता है कि नहीं ये इंसान क्योंकि इसने बुरा किया सारी ज़िंदगी तो इसके साथ बुरा ही आगे होगा, हमें चांस मिलता है, हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने आप को सही करने। यार मैं जो है ना इस मूवी में एक चीज़ जो मुझे देखने को मिली है कि हम मोस्टली जो मूवीज़ देखते हैं ना उसमें टू साइडेड होती हैं, या तो आपको जो है पॉलिटिक्स नज़र आएगी और साथ में उसके जो है कुछ ऐसे टॉपिक्स नजर आएंगे जो उसी के गिर्द घूमते रहेंगे, या तो आपको लव एंगल नजर आएगा, सारा कुछ उसके गिर्द घूमता रहेगा। कंटारा मूवी की अगर मैं बात करूं तो ये मुझे इस तरह की मूवी है कि भाई इसमें आपको गवर्नमेंट का एक एंगल भी नज़र आता है, इसमें आपको एक प्यार का एंगल भी नज़र आता है, इसमें आपको नेचर भी नज़र आती है, इसमें आपको जो है जो ग्रीड है वो भी नज़र आती है, कम्युनिटीज भी नज़र आती हैं। बिल्कुल वही ना कि स्क्रिप्ट जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उसके बाद जो डायरेक्शन है और जो जो बीच में जितने भी एक्टर्स हैं उनका काम इतना अच्छा है ना कि आप जो है ना एक मिनट के लिए भी अपनी एक मिनट मैं बल्कि
ज्यादा कहती है, एक आंख के लिए भी अपना चेहरा इधर से उधर नहीं करना चाहती कि कहीं कोई सीन बीच में से मिस ना हो जाए। अभी मैं एंड पे स्वरूप जब उनके अंदर आता है ठीक है ना, उसकी बात करूंगा। वहां पे फर्स्ट जो आके वो एक जो आवाज निकालते हैं और उस टाइम वो जो एक हवास ही चलती है ठीक है ना, वो एक एक्सप्रेशन मेरे लिए बहुत अच्छा, क्योंकि वहां पे जो उनकी बॉडी की एक मूवमेंट थी ठीक है ना, फिर उसके बाद जब वो खड़े होते हैं ठीक है ना, फिर जब वो खड़े होते हैं तो उनके जो टांगों की एक डायरेक्शन होती है ठीक है, और जहाँ पे वो जिस तरह एक आवाज निकाल रहे होते हैं ठीक है ना, वो बहुत जो है ना क्या नाम लेते हैं, एक मुश्किल सीन है ठीक है ना। फिर उसके बाद मैं वहां पे बात करूंगा जो बीच में डिफरेंट डिफरेंट वो चक्कर लगा रहे होते हैं ठीक है ना, वो भी अगर मैं बात करूँ ना, तो ये ऐसे सीन है कि भाई ये आप पे बहुत इम्पैक्ट छोड़ते हैं। मैं कहूंगी कि फेस एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज और उनकी आवाज, सब चीजें इतनी परफेक्ट और इतनी बैलेंस्ड है इस मूवी में। मैं सिर्फ एक इस सीन की नहीं कब बात करूंगी, मतलब टोटली स्क्रिप्ट इतना बैलेंस है, आपको हर चीज इतने इलेबोरेटिव वे में बताई गई है कि आप वाकई में देखकर ढंग रह जाते हो। और उसके बाद ना एक और चीज, जैसे यू नो जो लास्ट के कुछ मोमेंट स्टार्ट होते हैं, जैसे उनके फादर आते हैं ठीक है ना, क्योंकि पहले वो गायब हो जाते हैं ना, तो जो फादर आते हैं और जैसे मतलब वो एक आवाज, मतलब जो वो एक रोर वाला एक साउंड आता है, और उसके बाद वो मतलब इसे ये पता चलता है कि वो उनके अंदर अब आ गए। तो जो यू नो वो जो आग के थोड़े थोड़े जिस तरीके से हम साहब को मारते नहीं है। अच्छा, साहब को मारने से पहले वो क्या बोलते हैं वो हमें नहीं समझ में आता, क्योंकि आई थिंक वो उस वहां पर वो कन्नड़ भी नहीं है ठीक है ना, क्योंकि वो कोई और ही लैंग्वेज, नहीं 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 नहीं, वो तुलु में फिर बोलते होंगे क्योंकि तुलु, हाँ वो कोई और ही लैंग्वेज मुझे लगता है, क्योंकि मैंने जो है ना एक क्लिप देखा था, उसमें खैर ये वाला क्लिप नहीं देखा था, स्टार्टिंग वाला जो बिल्कुल स्टार्टिंग में आता है ना, जहाँ पे वो पहला वाला बंदा की जमीन क्लेम करता है, तो उसमें इंग्लिश जो है ना सब टाइटल्स में नीचे लिखा हुआ था। ओके, सो हाँ उस टाइम पर भी उस जगह उस टाइम वो हिंदी डब में, हाँ उस टाइम वो पता वहाँ पे क्या कहते हैं कि जो क्या नाम लेते हैं जमीन मांगते हैं, तो जो तुम्हें सुकून मिला है वो वापस दे सकते हो। जो अच्छा, और मुझे लगता है मौसम वो जो एंड पर वो जो तलवार निकलती है ना, वो भी मुझे लगता है कि वो बादशाह की तलवार होती है, शायद क्योंकि हाँ गिर जाती है, बिल्कुल गिर जाती है सामने, उसी तलवार से वो उसका विनाश करते हैं। सो ये चीजें जिस तरीके से कनेक्ट की गई है ना, तो वो चीजें मुझे बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी खूबसूरत है। और सीरियसली आई कैन इमेजिन के जिन लोगों ने मूवी थिएटर में देखी होगी, उन लोगों का क्या मतलब, एक जब वो बाहर निकले होंगे तो उनका कुछ टाइम के लिए तो मुझे लग रहा है कि वो जोन से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जो आप बता के ना आप उसका स्पॉइलर बन सकते हैं, लेकिन कुछ मूवीज ऐसी होती हैं कि आप बता भी देंगे ना, वो आपका फिर भी मन करेगा कि आप देखें। ये उस उन मूवीज में से एक है। सो एक्साइटेड, क्योंकि जिस तरह से हम लोग इस मूवी के बारे में सुनते जा रहे थे, जितना इसको प्रेज किया जा रहा है, तो हम लोग भी बहुत एक्साइटेड थे, बट मैं थोड़ा कंफ्यूज थी कि पता नहीं हमें मूवी समझ में आएगी या नहीं आएगी, बट थैंक गॉड मूवी समझ में हम लोगों को आई, मैसेज हम लोगों को समझ में आया, ये बहुत हमारे लिए मैं कहूँगी कि खुशकिस्मती है, क्योंकि फाइनली अब चीज़ें जो हैं वो बेटर वे में हम लोगों को समझ आती हैं। बाकी मैं कहूँगी कि इस सीन को आप जितनी मरतबा भी देखो ना, और उतना कम है, और मुझे लगता है कि आपके अंदर एक डिफरेंट एनर्जी लाने के लिए वो जो इसमें एक रोर वाला साउंड है ना, वो काफ़ी है। मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगी, क्योंकि के जो तुलु ट्राइब है वहां पर ऐसे परफॉर्म किया जाता है, और भी इसके अलावा भी बोला जाता है कि ट्राइब है जहां पर परफॉर्म किया जाता है। आप लोगों में से किस किस ने लाइव देखा हुआ है और क्या क्या एक्सपीरियंस रहता है, मैं ये जरूर जानना चाहती हूँ। वैसे कमेंट सेक्शन में मैंने देखा था, आई डोंट नो कि मैं गलत हूँ या सही हूँ या ये सही है कि नहीं, कि जो ऐश्वर्या राय है वो भी शायद उसी साइड की है। सो ये भी मैंने कमेंट सेक्शन में पढ़ा था, नो आईडिया, मुझे नहीं मालूम। हाँ, बट खैर एनीवे गाइस, ओवरऑल ये तो हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ हमें जॉब सब्सक्राइब शेयर, गुड बाय।